आपने पूरा प्रैक्टिस किया है रिवाइज किया है बिकॉज यू नो अंस आप रिवाइज करेंगे जब तक की आप इसको रेगुलरली रिवाइज नहीं करेंगे जब तक कि आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली इस पे काम नहीं करेंगे तो ये लर्निंग नहीं हो पाएगी एक्चुअली मैंने आपको वेरी फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि यू उसके बाद कोई नहीं आपको रोक सकता लेट्स बिगिन फर्स्ट स्लाइड एंड प्लीज अगर आप नए हैं इस वीडियो पे तो uh, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट कीजिए सो दैट आपकी ग्रास्पिंग भी प्रॉपर रहे और आप सिस्टमेटिक रहे फाइन देखिए ये फ्रेजेस हैं टू बिगिन विथ फ्रेजेस ये क्या होता है कि जब भी आप अपने ओपिनियन स्टार्ट करते हैं या अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको इन सेंटेंसेस के साथ ये रेगुलरली फ्रीक्वेंटली यूज सेंटेंसेस है जिनके साथ हम लोगों को स्टार्ट करना पड़ता है मैं एक एक सेंटेंस का यूज भी आपको प्रॉपरली बताऊंगा जैसे नंबर वन इज टू बी ऑनेस्ट टू बी ऑनेस्ट मतलब यह होता है जैसे हम कभी भी कहते हैं सी अगर कोई आपसे पूछना चाहे कि भाई आप क्या बोलना चाहोगे

आपको इसमें कोई टेंस नहीं लगाना है आपको इसमें कोई ग्रामर नहीं लगाना है राइट सेम टू टू बी ऑनेस्ट इन माई ओपिनियन भी बिल्कुल सिमिलर होता है राइट एंड थर्ड वन इज एज पर माई ओपिनियन इसको भी आप लोग इसी तरह से यूज कर सकते हैं एंड नेक्स्ट इज इन माई व्यू इसके अलावा नेक्स्ट आता है एज फार एज माई व्यू इज कंसर्न या एज फार एज माई पॉइंट इज कंसर्न नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू मी राइट एज आई फील एज आई यज्यूम ये सबके सब सेंटेंसेज सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के अल्टरनेट हैं तो आप एक दूसरे की जगह पे भी इनको यूज कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन में डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हैं मैं कुछ एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूं अभी पहले सेंटेंस से शुरू करता हूं टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक थी राइट इन माई ओपिनियन संडे इज द बेस्ट डे एज पर माई ओपिनियन जयपुर इज अग सिटी in my view english is not complicated as far as my view is concerned i like ms dhoni very much as far as my point is concerned i like virat kohli too according to me amitabh bachchan is the greatest actor in bollywood industry as i feel summer is the best weather as i assume आई कैन बी इन मुंबई टूमोरो राइट ये सेंटेंसिस इस तरह से यूज किए जाते हैं आप एक बार फिर दोबारा से मेरे साथ इसको इन सारे सेंटेंस को रिपीट करेंगे कैसे इनको बोला जाता है टू बी ऑनेस्ट इन माई ओपिनियन एज फर माई ओपिनियन इन माई व्यू एज फार एज माई पॉइंट इज कंसर्न एज फार एज माई व्यू इज कंसर्न अकॉर्डिंग टू मी एज आई फील एज आई एज्यूम नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है टाइम फ्रेजेस मतलब ये टाइम से रिलेटेड होते हैं टाइम बेस्ड फ्रेजेस होते हैं एक्चुअली जैसे आप कभी किसी से बोलते हैं आई एम जस्ट कमिंग ये जनरल फ्रेज है बिल्कुल गिव मी अ मिनट सेकेंड जस्ट अ मिनट ये सारे के सारे एक दूसरे के अल्टरनेट हैं वन टू थ्री फोर ये चारों के चारों अल्टरनेट हैं एक दूसरे के एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं कहीं भी आप किसी को यूज कर सकते हैं आई एम जस्ट कमिंग राइट आई एम जस्ट कमिंग प्लीज वेट ऐसे भी बोल सकते हैं आप गिव मी मिनट प्लीज इसका मतलब भी है कि please, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए इसका मतलब क्या होता है? It's a matter of time. ये सब समय की बात है। जैसे जनरल कम्युनिकेशन में कहा जाता है ना हिंदी में कि ये सब टाइम टाइम की बात है इट्स अ मैटर ऑफ टाइम आप इसको यूज कर सकते हैं ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड फ्रेज है नेक्स्ट इट विल बी सॉरी आई विल बी आई विल बी यू इन ये भी आपको uh, जो ऊपर वाले चार फ्रेजे पांचवाद्यू इन मोमेंट इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब ये जब बोले जाते हैं जब आप किसी को भी uh, किसी भी मीटिंग से आप डिपार्ट हो रहे होते हैं जा रहे होते हैं राइट right? या आपको छोड़ के जाना है किसी को तो आप बोल सकते हैं yeah. अगली बार मिलते हैं सी यू अगेन आगे मिलते हैं सी यू टूमो कल मिलते हैं सी यू लेटर आगे मिलते हैं कभी भी अब देखिए इसमें जो लास्ट वाला है सी यू ऑन डेट स्लैश एट डेट मैंने लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि जब भी अगर आप डे का यूज करेंगे तो ऑन यूज करेंगे और डेट का यूज करेंगे तो एट यूज करेंगे यह क्यों करते हैं ये आपको ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच में समझाया जाए जाएगा अभी डिटेल में लेकिन यहां पे सिर्फ आप इतना समझ लीजिए मैं एग्जांपल देके बताता हूं जैसे हम बोल सकते हैं डे के लिए सी यू ऑन वेडनेसडे राइट और अगर डेट का हमें यूज करना है थ इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं राइट right? आप इसको आप इन सारे सेंटेंसेस को मेरे साथ एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे आई एम जस्ट कमिंग गिव मी अट प्लीज जस्ट अ सेकेंड जस्ट अ मिनट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम आई बी विद यू इन अ मोमेंट सी यू नेक्स्ट टाइम सी यू अगेन सी यू टूमोरोटर सी यू ऑन वेडनसडे राइट नेक्स्ट right. ये देखिए टेलीफोनिक फ्रेजेस है बेसिकली टेलीफोनिक फ्रेजेज मतलब अभी देखिए आजकल तो मोस्टली सभी लोग मोबाइल यूज करने लगे लेकिन ये आज से पा, पा, पांच सात साल पहले बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज में आते थे आज भी यूज में आते हैं जब भी कभी आप किसी ऑफिस में कॉल करेंगे या आप किसी ऑफिस में कॉल रिसीव करेंगे जब रिसेप्शनिस्ट होती है जो वो आ, या रिसेप्शन पे कोई भी होता है तो वो फोन को रिसीव करके अगर किसी को ट्रांसफर करता है इन दैट केस दीज फ्रेजेस आर एक्चुअली उस केस में इन फ्रेजेस का यूज होता है मैं आपको बताता हूं one one. जैसे किसी ने भी कॉल किया सपोज आई एम एट रिसेप्शन रिसेप्शन मैं reception पे किसी ने भी कॉल किया तो सबसे पहले मैं यही पूछूंगा नो लाइन प्लीज हमें जानना है मैं जान सकता हूं लाइन पे कौन है राइट right? इसका मतलब ये होता है तो आप बोल सकते हैं जैसे आप आपके घर में भी फोन है लैंडलाइन uh, का फोन है अगर किसी ने कॉल किया है तो आप पूछ सकते हैं मेनो हुईज ऑन द लाइन प्लीज राइट right. अगर आप कॉल कर रहे हैं किसी को लैंडलाइन पे तो फिर आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं प्लीज कनेक्ट मी टू मिस्टर सो एंड सो जो भी नाम हो जैसे आपको मिस्टर राज राज से बात करनी है प्लीज कनेक्ट मी टू मिस्टर राइट अब अब आपको अब अगर आप रिसेप्शन पे हैं या आप रिसीवर एंड पे हैं तो और आपको होल्ड करना है करवाना है सामने वाले को क्योंकि जिससे बात करनी है उनको आपको बुलाना है तो इन दैट केस यू विल से प्लीज होल्ड ऑन है ना प्लीज होल्ड कीजिए राइट नाउ अगर मैं लैंडलाइन के रिसीवर एंड पे हूं मैं रिसीव कर रहा हूं फोन को तो मैं किस तरह से बोलूंगा यस दिस इज राज स्पीकिंग राइट सामने से बोलेगा कोई भी हेलो आई आई स्पीक आई आई रेस्पॉन्ड इन दैट वे मैं इस तरीके से रेस्पोंड करूंगा यस दिस इज राज स्पीकिंग राइट अगर रिसेप्शन पे आप हैं किसी का फोन आता है फाइन और जिसके लिए फोन है वो वहां पर नहीं है इन दैट केस आप यूज करेंगे ज नॉट हियर राइट नाउ वो अभी यहां पर नहीं है फाइन मैं इन सारे सेंटेंसेस को एक बार दोबारा रिपीट करता हूं आप इन सेंटेंसेस को मेरे साथ रिपीट करेंगे पेनो हु इज ऑन द लाइन प्लीज प्लीज कनेक्ट टू मिस्टर राज प्लीज होल्ड ऑन यस दिस इज राज स्पीकिंग ही इज नॉट हियर राइट नाउ नेक्स्ट देखिए ये सारे मिसलिनियस फ्रेजेस हैं मिसलिनियस मतलब मिक्स फ्रेजेस हैं ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग यूज होते हैं

राइट डू मी ए फेवर या डू मी ए फेवर प्लीज जब आपको किसी से कोई काम करवाना हो किसी से कोई फेवर uh, चाहिए हो उस केस में आप ये फ्रेज यूज करते हैं राइट right. जैसे आप किसी भी अपने फ्रेंड से कह सकते हैं कि डू मी ए फेवर प्लीज मैं आज मोबाइल लेना भूल गया मोबाइल प्लीज फाइन या कोई भी काम हो सकता है किसी भी सिचुएशन में आप इसको यूज कर सकते हैं इस तरीके से कम एज सुन एज पॉसिबल जब भी आपको किसी को जल्दी बुलाना हो आप फोन पे भी बोल सकते हैं या या अगर कोई सामने भी है और वो कहीं जा रहा है तो आप उसको भी बोल सकते हैं कम एज सुन एज पॉसिबल राइट इसको आजकल शॉर्ट फॉर्म में ए भी बोलते हैं ये बहुत ज्यादा चलन में है आजकल बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज आता है ए एस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए एज सुन एज पॉसिबल राइट आप ऐसे भी बोल सकते हैं कम ए एवरीथिंग इज फाइन सब सही है जैसे कोई पूछता है हव यू हा यू डूइंग तो आप इसका रिप्लाई ये कर सकते हैं एवरीथिंग इज फाइन सब कुछ सही है कोई दिक्कत नहीं है राइट नेक्स्ट इज आई एम वेटिंग फॉर यू आई एम वेटिंग फॉर यू ये जनरल फ्रेज है जैसे मैं आपका इंतजार कर रहा हूं आप कॉल पे भी कह सकते हैं या कोई किसी ने आपको टाइम दिया है कि भाई मैं आ रहा हूं आपसे मिलने के लिए उस पॉइंट पे या उस जगह पे देन यू कैन रिप्लाई इन दैट वे आप इस तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं आई एम वेटिंग फॉर यू मतलब मैं आपका इंतजार कर रहा हूं राइट नेक्स्ट इज कम टू द पॉइंट कम टू द पॉइंट का मतलब है अगर कोई भी आपसे कम्युनिकेट कर रहा है कोई भी आपसे बात कर रहा है और आपको लगता है कि वो उस टॉपिक पे बात नहीं कर रहा है जिस टॉपिक पे उसे बात करनी चाहिए तो उसको तरीके से बोलने के लिए आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं प्लीज कम टू द पॉइंट प्लीज भी लगा सकते हैं इसमें या कम टू द पॉइंट मतलब चलिए ठीक है अब काम की बात करते हैं ऐसे हिंदी में बोलते हैं ना इसी तरीके से आप कम टू द पॉइंट ऐसे बोल सकते हैं नेक्स्ट इज वट सा नेगेटिव फ्रेज है नेगेटिव इन द सेंस कि uh, जनरली बोलना नहीं चाहिए लेकिन लोग इसको भी यूज करते हैं वेल इट इज मतलब क्या बकवास है राइट इट इट्स इट्स जस्ट लाइक नेक्स्ट इज वट लाइक टू हैव जब भी आपके ऑफिस में या आपके घर पे या uh, कोई मिलने आता है या गेस्ट मिलने आता है जब आप बोलते हैं ना आप आप क्या लेना पसंद करेंगे चाय कॉफी कुछ समथिंग लाइक दैट तो उसके लिए आप इस सेंटेंस को यूज करते हैं वट वुड यू लाइक टू हैव राइट अब मैं एक एक करके सारे सेंटेंसेस बोलता हूँ आप मेरे साथ रिपीट करेंगे दैट ग्रेट डू मे फेवर कम एज सुन एज पॉसिबल कम एस ए पी एवरीथिंग इज फाइन आई एम वेटिंग फॉर यू कम टू द पॉइंट वॉट द हेल इट इज वॉट वुड यू लाइक टू हैव राइट नेक्स्ट देखिए यह मिसलिनियस फ्रेजेस का की लास्ट स्लाइड है जैसे हम लोग कभी भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं किसी को ये डे उसी बर्थडे right? हो गया किसी का हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी हो गई fine, उन केसेस में आप इनको यूज कर सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेन कांग्रेट कांग्रेचुलेन का शॉर्ट फॉर्म कांग्रेट्स होता है आप किसी को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना है किसी को भी बधाई है कांग्रेचुलेन्स या कांग्रेट्स भी बोल सकते हैं राइट right?

कोई आ, 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 आप आप रास्ते में जा रहे हैं कोई आपसे हल्का सा टच होके निकल जाता है तो वो बोलता है आई एम सॉरी तो आप कह सकते हैं ओह नेवर माइंड राइट नहीं नहीं कोई बात नहीं है जनरली बोलते हैं हम ओके नेक्स्ट इज डिड यू गेट पॉइंट क्या आपको मेरी बात समझ में आई इसका मतलब ये होता है आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे हैं गॉट द पॉइंट समझ में आया ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं राइट right? तो एक दूसरे के स्थान पे इसको यूज किया जा सकता है यू कैन यूज एनी ऑफ द सेंटेंस एट एनी ऑफ द प्लेस लाइक ऑल थ्री आर सिनोनिम्स राइट नेक्स्ट इज अप्रिशिएट आई आई अप्रिशिएट अप्रिशिएट का मतलब मैं तारीफ करता हूं आई रियली अप्रिशिएट ये कहां पे यूज किया जाता है जैसे मान लिया आपको किसी बच्चे को बोलना है जनरली ये आई uh, अप्रिशिएट ये इस तरह के सेंटेंसेस जनरल केस में अपने पियर्स अपने बराबर वालों को या अपने छोटों को बोला जाता है बड़ों को भी कभी कभी बोला जा सकता है जैसे किसी भी बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है तो आप सीधा बोलेंगे उसको आई अप्रिशिएट आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स है ना इस तरह से आप बोलते हैं आई रियली अप्रिशिएट मैं वास्तव में अप्रिशिएट करता हूँ फाइन ओके गाइज थैंक यू वेरी मच प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू वेरी मच प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल